दिल्ली की पोल्यूशन की लड़ाई अब बिहार तक पहुंच गई है। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि पोल्यूशन की समस्या पूरे नॉर्दर्न इंडिया में है। बिहार के कई जिलों की स्थिति दिल्ली से थोड़ी ही बेहतर है। केजरीवाल के इस बयान पर बिहार में भी सियासत गर्मा गई है। पोल्यूशन की लड़ाई बिहार पर आई, केजरीवाल के बयान पर उठे सवाल, दिल्ली की तुलना बिहार से कैसे? कोहरा नहीं, प्रदूषण है ये। तस्वीर दिल्ली की है जो पॉल्यूशन की चादर में लिपटी हुई है, लेकिन यहाँ की सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए आपके साहब को ये समस्या नॉर्दर्न इंडिया में नजर आती है। बिहार के मोतिहारी, बेतिया, कटिहार में वेरी पुअर कैटेगरी का पॉल्यूशन है। ये तो पंजाब की वजह से नहीं हो रहा ना। संभव है और सही भी कि बिहार के कई जिलों में प्रदूषण की स्थिति गंभीर है, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार जल जीवन हरियाली योजना चला रही है। पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। बिहार ने तो बहुत प्रदूषण पे, हमने हरियाली, जो जल जीवन हरियाली हम लोगों का मिशन है, उसके माध्यम से भी बहुत हम लोगों ने प्लांटेशन का प्लान किया है और बहुत से प्लांटेशन लग रहे हैं। हर साल हमने अपना जो वन क्षेत्र है उसको भी बढ़ाने का प्रयास किया है। कल तक दिल्ली के सीएम पराली को जिम्मेदार बताते थे, लेकिन आज उनके हिसाब से ये नॉर्दर्न इंडिया की समस्या हो गई है। तो क्या वो मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं, यानी जवाबदेही सब पर डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बिहार का पोल्यूशन दिल्ली को प्रभावित कर रहा है? नहीं, दिल्ली स्वयं इतना आज के हिसाब से पोल्यूशन का केंद्र बना है कि जो लोग इन चीजों को देखते हैं, बस समय समय पर तो डाटा भी जारी होता रहा है। कई ऐसे समय आते हैं जहां पर दिल्ली के लोगों को काफी परेशानियां करना पड़ता है, दिन में ही कोहरे का अनुभव करना पड़ता है, पोल्यूशन का स्तर यह है। और पंजाब सटे है, हरियाणा सटे है, वो प्रभावित कर सकता है, पर मोतिहारी, बेतिया, कटिहार की चर्चा करना दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीत होता है। यह दोनों प्रदूषित दिमागों के मुख्यमंत्री, जहां पर्यावरण को ठीक करना चाहिए, वायु प्रदूषण को रोकना चाहिए, तो यहां एक सियासी प्रदूषण के शिकार हो चुके हैं। और दोनों प्रदूषित मुख्यमंत्री दिमागी प्रदूषण के शिकार हो चुके हैं। ये दोनों का इलाज की जरूरत है। भाई, केजरीवाल जी ने पिछले कई सालों से दिल्ली के लोगों को मूर्ख बना रखा है और वो पंजाब में यही काम करना चाहते हैं, इसीलिए वो झूठ मूठ का इशू उठा करके बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो शुक्रवार को दिल्ली का आज का औसतन AQI 453 है, जिसका मतलब दिल्ली का प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में है। नोएडा का औसतन AQI 562 है, गाजियाबाद का औसतन AQI 407 है, गुरुग्राम का औसतन AQI 437 है, तो वहीं पटना का AQI 240 है, मोतिहारी का AQI 363 है, कटिहार 358, दरभंगा 316, समस्तीपुर 358, सिवान 334 है, तो वहीं राजधानी पटना का भी बुरा हाल है। पूरे देश में प्रदूषण इस वक्त काफी गंभीर समस्या है। फिलहाल अगर हम पटना के पॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर भी पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, और कई सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर स्थिति विकराल है, जैसे कि मोतिहारी की बात कर लें। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर बिहार के कई ज़िलों की, तो वहाँ पर भी स्थिति सही नहीं है, यानी वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी खराब हो चुका है। दरअसल पॉल्यूशन की समस्या सिर्फ दिल्ली या नोएडा या पंजाब की नहीं है, पूरे देश की है, और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम करने की जरूरत है, नहीं तो सिर्फ राजनीति होगी। रितेश, जी मीडिया, पटना। बढ़ते प्रदूषण को लेकर तो तारा श्वेता आर्य ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। अरविंद केजरीवाल को फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इतने बुरे हालात में है कि स्कूलों को बंद करने की नौबत बन गई है। छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है।
बिहार की चिंता बिहार के शासक करेंगे और मुख्यमंत्री करेंगे और प्रशासनिक लोग कर लेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को इतने महत्वपूर्ण विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।